शुक्रवार को करनाल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर लघु सचिवालय परिसर में विभिन्न कॉलेजों के एनएसएस स्वयंसेवकों की जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कॉलेज के छात्रों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जागरूकता रैली में दयाल सिंह महाविद्यालय सहित राजकीय कॉलेज व खालसा कॉलेज की एनएसएस वॉलंटियर्स व एनसीसी के करीब 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह रैली शहर के डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम से आरंभ होकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय में समाप्त हुई। प्रतिभागियों ने अपने हाथों में सड़क सुरक्षा के बैनर व पट्टिकाएं लेकर स्लोगन के साथ करीब 3 किलोमीटर का सफर कर राहगीरों को जागरूक किया। इस दौरान रैली में करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव बच्चों से रूबरू हुए। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा को बनाए रखना केवल सरकार और इससे जुड़े विभागों की ही नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो सड़क पर चलता है। उन्होंने कहा कि सड़क के नियमों की अनदेखी के चलते दुर्घटनाएं और उनमें मरने वालों की संख्या पर गौर करें तो एक दिन में 500 मौतें हो जाती हैं, यानी एक घंटे में कम से कम 20 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने युवा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय ट्रैफिक पुलिस के जुर्माने या चालान का भय मानकर सुरक्षा नियमों का पालन करना ही उचित नहीं है, बल्कि उचित यह है कि सुरक्षा नियमों को तोड़ते समय देखने वाले उसे फॉलो ना करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली में शामिल होकर खुद भी सीखें और अपने संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी सिखाएं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं आरटीए सचिव ने कहा कि हमारे देश में सड़क सुरक्षा पहलू को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना होना चाहिए था। सड़कों का जाल बिछाया गया है लेकिन दुर्घटनाएं कैसे कम हो उस पर विगत में ध्यान ज्यादा नहीं रहा। अब केंद्र व राज्य सरकारों का इस पर फोकस हुआ है और हरियाणा में इसे लेकर विजन जीरो कार्यक्रम बनाया गया है जिससे दुर्घटनाओं में कमी करने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। इस रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम सब लोग बाइक वगैरह चलाते हैं या एक्टिवा वगैरह चलाते हैं, हम सब लोगों को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो इसके लिए हमारी जान को खतरा है। ऐसा देने के उससे सिर्फ इसलिए रूल का पालन नहीं करना चाहिए, अपने खुद की सेफ्टी के लिए रूल्स का पालन करना चाहिए। जब हम भाई दो पहिया वाहन चलाए तो पूरा ध्यान रखें कि उस पर सिर्फ दो ही जने बैठे, कि जो दो पहिया वाहन है वो दो ही जनों के लिए बनाया गया है, और हेलमेट पहने और अपने मोबाइल को अच्छे से जेब में रखे, और जब भी अगर कोई जरूरी फोन पर बात भी करनी हो तो साइड में बाइक या अपनी कार रोक कर बात करें, जिससे क्या होएगा भाई फोन चलाते हुए ध्यान लोग का फोन पर ज्यादा रहता है, सामने नहीं देख पाते, एक्सीडेंट हो जाता है, अब इसमें जानने भी कितनी चली जाती हैं, अब बाद में फिर लोग फिक्र करेंगे भाई जान चली गई। इससे अच्छी बात यह अभी पहले सोच के रखो कि भाई जब बाइक चला रहे हेलमेट पहने और फोन पे बात ना करें और दो ही सवारी बिठाए दो पहिया वाहन पे। ऐसी सरकार के लिए जब कार चलाते हुए लोग फोन पे बात करते हैं और एक अपने सीट बेल्ट नहीं पहनते, ठीक है। और जो दूसरी वो समस्या है वो है ओवर स्पीड की, भाई लोग बहुत तेजी से कार चलाते हैं। हम ये मैसेज दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को कि हमें रोड सेफ्टी का ध्यान, रोड पे सेफ्टी के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि बिकॉज सर अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे, और ये एक्सीडेंट्स वगैरह सर इनमें मॉनिटरी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई लोगों की लाइफ चली जाती है, तो हमें इन रूल्स को फॉलो करके अपने पूरे कंट्री की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरे छात्रों को क्या मैसेज देंगे? बस सर यही मैसेज देना चाहेंगे, सब यहाँ पर यूथ है और इन सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें यूथ को ही सबसे पहले इनिशिएटिव लेना होगा कि हम लोग सबको अवेयर करें रोड सेफ्टी के रूल्स को लेकर। कहाँ से निकाली आज रैली? कहाँ से? सर रैली मंगल से इन ऑडिटोरियम से हमने स्टार्ट की और यहाँ आए हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज उसका समापन था, आज ये आखिरी दिन था सड़क सुरक्षा सप्ताह का, एक हफ्ते का ये हमारा पूरा प्रोग्राम होता है और जो जिसमें रोड सेफ्टी की जितनी भी मेन मेन चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। इसमें आज स्कूल और कॉलेज के कुछ बच्चों द्वारा एक रैली निकाली गई और उनको फिर जागरूक किया गया कि रोड सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके लिए मैं हमारे आरटीए विभाग को, पुलिस विभाग को, जिला प्रशासन की तरफ से
धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण मसले पे लोगों में जागरूकता जगाई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हफ्ते भर जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं उससे हमारे ज़िले के लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अलग अलग आयाम सीखने को मिले होंगे और वो उन चीज़ों को अपने जीवन में भी अडॉप्ट करेंगे। जी मैडम, आज क्या कहीं आज? नमस्कार सभी को, मैं रेणु जिला युवा समन्वयक नेहरू केंद्र करनाल से। आज जिला प्रशासन की तरफ से रोड सेफ्टी सप्ताह है वो मनाया गया, और उसका जो अंतिम दिन था और एक 3 किलोमीटर की पैदल रैली निकाली गई जिसमें सभी युवाओं को जागरूक किया कि हमारे लिए रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि रोड पे जब चलते हुए हम सेफ नहीं होंगे, जो हमारे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें अगर युवा लोग सेफ नहीं होंगे तो हमारा राष्ट्र कैसे चलेगा। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए जागरूकता रैली थी और सभी युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपनी जिम्मेवारी को समझा और रैली में भाग लिया। और मैं साथ ही में करनाल ज़िले के सभी युवाओं को एक और आग्रह करना चाहती हूँ कि कल फिट इंडिया को लेकर एक नेहरू केंद्र साइकिल रैली निकाल रहा है जो दयाल सिंह कॉलेज से शुरू होगी सुबह 9 बजे, तो उसमें भी सभी युवा साथी आकर अपनी भागीदारी दिखाएं, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे लेकर चलें, क्योंकि हमारे देश में जो नागरिक है उनका फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। और साइकिल रैली हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग स्कूटी मोटर सब चला रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि पोल्यूशन को कम करें और हमारे आसपास के क्षेत्र में जाने के लिए हम साइकिल का उपयोग करें, जिससे हमारा देश है, समाज है, वो फिट रहेगा, क्योंकि लोग फिट हैं तो देश भी फिट है। धन्यवाद। जी, दयाल सिंह कॉलेज करनाल के 350 स्टूडेंट जिनमें NSS के वॉलंटियर भी थे और बिना NSS के भी कॉलेज के विद्यार्थी थे, जिन्होंने रोड सेफ्टी जो कि ADC साहब के आह्वान पर आज करनाल में निकाली, इसमें अपना सहयोग दिया और 5 किलोमीटर का रन कॉलेज से लेकर के अंबेडकर चौक, फिर आपका NDRI से होते हुए यहाँ सेक्टर 12 में आए। हम करनाल के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जाता है 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक, उसकी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि रोड एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो वो कम से कम हो। जीवन सबसे कीमती है, जीवन को बचाने के लिए अगर हम लोगों को अवेयर कर सकें और खुद भी अवेयर हो, यही हमारा इसकी रैली का आज का उद्देश्य है। मैं करनाल वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारी रैली है उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए उन नियमों का पालन करें और होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आए। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।